हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने स्मार्टफोन के नोटिफिकेशन में अपना फोटो या फिर कोई भी फोटो कैसे लगा सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह से नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहती है इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रितेश कुमार और आप देख रहे हैं मिस्टर रितेश टेक चैनल। मिस्टर रितेश टेक चैनल में आपका बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन पर अपने फ़ोटो लगाने के लिए या फिर कोई भी फ़ोटो लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली आपको प्ले स्टोर पर ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन फोटो सेट, इस वाले एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो क्या इसको आपको ओपन करना है, चलिए मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो क्या देख सकते हो मैं इस ऐप को ओपन कर रहा हूँ। तो क्या यहाँ पर थोड़ा लोडिंग ले रहा है, लोडिंग होने के बाद यहाँ पर आपका जो कि ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे कि मैं स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, गो टू कस्टमाइज जो कि नोटिफिकेशन बार एंड स्टेटस बार, ठीक है। तो दो ऑप्शन मिल जाते हैं, पहले नोटिफिकेशन बार वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको देख सकते हो पहले नोटिफिकेशन टम्बे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता है। उसके बाद यहाँ पर आप अपने या फिर कोई भी फ़ोटो लगाना चाहते हो तो यहाँ से यहाँ पर कोई भी फ़ोटो लगा सकते हो। बट गाइस, यहाँ पर आपको अपने फ़ोटो लगाना है तो अपने फ़ोटो लगाने के लिए गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद चॉइस इमेज फ्रॉम गैलरी, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर अपने फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है फ्रेंड, सिंपली यहाँ पर जैसे कि मैं अपने फ़ोटो को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो गाइस, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मैं फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो ऑलरेडी यानी कि यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, बैक आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर स्टेटस बार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कर लेना है ये कोई भी कलर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर कलर सिलेक्ट किया, यहाँ पर देख सकते हो सेट हो गई, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको सेट कर लेना है। उसके बाद बैक आ जाना है। जैसे आप बैक आ जाते हो यहाँ पर स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको भी कस्टमाइज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ये ऑप्शन वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है। जैसे आप ऑन कर देते हो उसके बाद यहाँ पर आपको जादू देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पर इसको अब हटा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जैसे देख सकते हो जो गाइस है ना कोई चमत्कार, देखने में तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही होगी। जैसे कि देखते हो मैं डेटा को ऑन करता हूँ तो यहाँ से ऑन ही हो जाएगी। जैसे कि देखते हो अभी मैं सेटिंग्स वगैरह नहीं किया, थोड़ा बहुत मोबाइल में सेटिंग करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो इस तरीके से आप फोटो वगैरह लगा सकते हो, फ्लश वगैरह भी जला सकते हो, रोटेट मोड भी ऑन कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो इस तरीके से ब्राइटनेस वगैरह इस तरीके से कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से अपने नोटिफिकेशन बार में आप किस तरीके से फोटो लगा सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई होप फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, चैनल पर है तो चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह से नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलती रहती है इस चैनल पर। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।